हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। हम कर रहे थे नॉन वर्बल एनालॉगी और हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। इसमें ए और बी फिगर दे रखी है और सी दे रखी है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में क्या हो रहा है, बेसिकली ये वाले को इधर पहुँचा दिया गया है और जो अंदर था उसे बाहर लिया है, मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ गया है। तो ट्राइंगल के अंदर सर्कल, तो ऐसे अगर इसको इधर लाना है तो, और तो हमें एक ऐसी फिगर ढूंढनी होगी जिसमें इस साइड पे रोम्बस के अंदर पेंटागन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी फिगर में सिर्फ ए ही एक ऑप्शन है जिसमें रोम्बस के अंदर पेंटागन है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप देखेंगे एरो को 90 डिग्री मूव कर दिया गया है, तो इसी फिगर में इसका निकालेंगे। तो अगर हम एरो को 90 डिग्री मूव करेंगे तो एरो इधर की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा इन सब में ऑप्शन बी। अब कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में सर्कल, पहले रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल और उसके अंदर ये, अब ये क्या कर दिया है, बेसिकली इसको सर्कल के अंदर ला दिया है। तो हमें एक ऐसी फिगर ढूंढनी है जिसमें स्टार के अंदर हम हेक्सागन हो और फिर उसके अंदर ट्राइंगल। तो स्टार ये रहा, हेक्सागन ये रहा और ट्राइंगल भी ये रहा, और कोई फिगर ऐसी नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा 21 का बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या करा है। पहले ट्रायंगल अंदर, ट्रायंगल के अंदर आपका ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर इन्होंने क्या करा है, पेंटागन दे दिया है, मतलब ट्रायंगल की दो साइड्स और ऐड कर दी हैं। तो हमें ऐसे देखना है कि ये चीज़ तो बाहर हो जाए और ये अंदर आ जाए और इसकी दो साइड्स बढ़ जाएं। तो देखें तो ऐसा क्या हो रहा है, ये रहा डी और इसकी अगर दो साइड्स और बढ़ जाएंगी तो ये ऐसे ही बनकर आएगा, राइट। क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 है, इसमें दो और साइड बन जाएंगी, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इसको, या इसको आप एक सेकेंड ऐसे भी देख सकते हैं, ट्रायंगल था, ट्रायंगल की एक और साइड बढ़ा दी तो ये बन गया रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की एक और साइड बढ़ा दी तो ये बन गया पेंटागन। ऐसी अगर आप बाहर का देखेंगे तो ये क्या था, 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 5 बन गया, इसकी भी एक साइड्स बढ़ा देंगे तो 1 2 3 4 5, तो इसकी साइड्स हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, ओके। तो हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन 22 का, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें, एक सेकेंड, इसकी साइड्स हैं 1 2 3 4, मुझे इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, एक सेकेंड, 1 2 3 4, इसकी एक साइड बढ़ेगी तो 5 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, और इसकी साइड से 1 2 3 4 5, तो इसकी एक साइड बढ़ेगी तो 6 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर होगा सी। आई होप आपको एक समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसे दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। आप ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये और ये फिगर रिलेटेड है, इसका हमें निकालना है। आप ये देखो, जो भी अंदर लिखा था स्क्वायर के वो बाहर चला गया और जो स्क्वायर के बाहर लिखा था वो अंदर आ गया है। तो बेसिकली ये बाहर चला जाएंगे दोनों और ये अंदर आ जाएंगे। ऐसा ए में तो नहीं है, ए में ये दोनों अंदर हैं, बी में सारे ही अंदर है, सी में देखिए आप, ये बाहर चला गया है, ये भी बाहर चला गया और ये दोनों अंदर आ गए हैं, तो हमारी कंडीशन से मैच कर रहे हैं। तो इसका आंसर सी है।